हेलो डियर व्यूअर्स, मैसेल्फ नासिर एंड यू वाचिंग मिस्टर जॉलीज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अब ओस्मो रेगुलेशन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। इससे के बाद हमने देखा कि ओस्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर किस तरह होती है। अब हम देखेंगे एनिमल्स के अंदर जो ओस्मो रेगुलेशन किस तरह होती है। दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स, एक होते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। अब इसके आगे जो डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर किस तरह टाइप्स पाई जाती हैं उनके बारे में भी मैं बात करूंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना ताकि सारे पॉइंट्स की आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओस्मो कन्फर्मर्स को अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को चेंज नहीं करना पड़ता, एडजस्ट नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि इनकी इंटरनल कंडीशंस आइसोटोनिक होती हैं, सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। इनकी इंटरनल कंडीशंस सिमिलर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो इनको कोई भी चेंज करने की, एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से इनको कहते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स। उसके बाद ओस्मो रेगुलेटर्स। रेगुलेटर का क्या मतलब होता है? चलाना। तो ओस्मो रेगुलेटर्स के अंदर इनको एडजस्ट करना पड़ता है अपने बॉडी कंडीशन को अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब दो तरह के इन्वायरमेंट पाए जाते हैं अगर मैच नहीं करता तो, हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अब हाइपोटोनिक में क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो डाइल्यूट होता है और इंटरनल कंसंट्रेटेड होता है, तो पानी यहाँ बाहर से सेल के अंदर जाता है तो सेल टर्जिड हो जाता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल जब पानी अंदर मूव करता है तो सेल क्या हो जाता है? टर्जिड, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। गुब्बारे में हम हवा भरें तो गुब्बारा जिस तरह फूल जाता है, उसी तरह जब पानी में सेल के अंदर पानी एंटर होता है तो क्या हो जाता है? टर्जिड। अगर हाइपरटोनिक की बात करें तो इसमें बाहर जो है वो सार्स ज्यादा होते हैं, अंदर वाटर ज्यादा होता है सेल के, तो जब सेल के अंदर से पानी बाहर निकलता है तो सेल श्रिंक हो जाता है। जिस तरह गुब्बारे से हवा निकलती है तो गुब्बारा पिंच हो जाता है, इसी तरह सेल भी क्या हो जाता है? पिंच हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। अब ओस्मो कन्फर्मर्स और ओस्मो रेगुलेटर्स की बेस पे तीन तरह की जो हैबिटेट्स हैं उनमें एनिमल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल के अंदर। टेरेस्ट्रियल के अंदर जो है मुख्तलिफ एनिमल पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है, तो ये तो ओस्मो रेगुलेटर्स होते ही होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या आती है? कैंगरो रैट की। कैंगरो रैट, अब ये जो कैंगरो रैट है ये क्या करता है? ये सीड्स इनटेक करता है जिनके अंदर बहुत ज्यादा जो है पानी होता है, तो ये हफ्तों पानी पिए बगैर इन सीड्स को खा के गुजारा कर लेता है, इन्हीं में से पानी निकाल लेता है। तो इनके अंदर एडेप्टेशन इस तरह की होती है कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम से कम रखते हैं, धूप में कम से कम जाते हैं ताकि इनको पानी का जो एक्सचेंज है वो कम से कम करना पड़े, ओस्मो रेगुलेशन कम से कम करनी पड़े, ताकि ये अपने आप को उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करवा सके, अपने आप को फिट कर सके। इसी तरह अगर ये, अब जो हमारे पास कैंगरू रैट है, टेरेस्ट्रियल है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास क्योंकि बाहर क्या है, बाहर यहाँ पे वाटर ज्यादा है, इनसाइड क्या है, सोल्यूट्स ज्यादा है, तो इसे हमारे पास कंडीशन कौन सी होगी? हाइपोटोनिक। तो ये हाइपोटोनिक होती है हमारे पास कैंगरू रैट्स या टेरेस्ट्रियल कंडीशन। अगर हम बात करें मेरीन या सी वाटर की, मेरीन या सी वाटर की, तो इसके अंदर कंडीशन क्या होती है? हाइपरटोनिक। क्या होती है? हाइपरटोनिक। के बाहर क्या होता है? इनके बाहर क्या होता है? सोल्यूट ज्यादा होते हैं, इनसाइड क्या होता है? पानी ज्यादा होता है, तो अंदर से जब पानी बाहर जाता है तो सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो बोनी फिशेज की आती हैं। बोनी फिशेज के अंदर क्या होता है? उनके बॉडी के इनसाइड पानी ज्यादा होता है, बाहर साल्ट ज्यादा होते हैं। साल्ट ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि मेरीन या सी वाटर के अंदर जो है वो साल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपने टेस्ट किया है, नहीं किया तो आप कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा नमकियात होते हैं, पीने के काबिल वो नहीं होता। पीने का पानी सिर्फ और सिर्फ लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स का ही होता है। तो ये जो बोनी फिशेज हैं ये मेरीन सी वाटर में अपने आप को एक्टिवली साल्ट क्या करती हैं? बाहर एक्सक्रीट करती हैं एनर्जी लगा के, क्योंकि बाहर साल्ट ज्यादा है, इनकी बॉडी की नस्बत बाहर ज्यादा है तो इनको एनर्जी लगा के मूव करनी पड़ेगी। आपके पास दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, जैसे सिंपल डिफ्यूजन है या सिंपल ट्रांसपोर्ट है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। अब जब हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे मूवमेंट करवाते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इनको एक्टिवली बाहर साल्ट एक्सक्रीट करने पड़ते हैं फिशेज को, बोनी फिशेज को। उसके बाद इसकी तीसरी जो एग्जाम आती है या हैबिटेट आती है वो आती है हमारे पास, तीसरी हमारे पास टेरेस्ट्रियल होगी, मरीन होगी, सी वाटर। अब हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर आती हैं हैग फिशेज। क्या आती हैं? हैग फिशेज प्रिमिटिव फिशेज हैं।
इनकी बॉडी क्या होती है, आइसोटोनिक होती है सराउंडिंग वाटर के बाहर जितना पानी है उसकी निस्बत इनकी बॉडी बॉडी की निस्बत जितना बाहर पानी है उतना अंदर पानी है इनके, तो इनको एक्टिवली एडजस्ट नहीं करना पड़ता। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इनके अंदर डिहाइड्रेशन को फेस करने की एबिलिटी होती है जो इनकी, उसको कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रो बायोसिस मतलब डेजर्ट कंडीशन के अंदर जो है टॉलरेंस कर सकते हैं ये पानी की शॉर्टेज को, इस फिनोमेना को कहते हैं एनहाइड्रो बायोसिस। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल के अंदर होता है, ना फ्रेश वाटर के अंदर होता है, ना ही ये मैरीन के अंदर होता है। होप सो यू हैव एंजॉयड द वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।